हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे मिल्क शेक एक अलग ही तरीके से, जिसको पीने के बाद बच्चे बड़े सब वाह वाह ही करेंगे। गर्मी का मौसम आते ही सबको लस्सी, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीने को मन करता है, और आप इसको अगर घर में एक बार बना के पी लेंगे तो ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स सब भूल जाएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातचीत ना करके आज की ये मिल्क शेक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ओरियो बिस्किट का एक पैकेट, और हमने यहाँ पे एक ही पैकेट लिया है। ये देखिए, ये है मिल्क, और इसको हमने गर्म करके ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसको डालेंगे मिक्सी में। आप जब भी शेक बनाने के लिए दूध लें, उसको उबाल के ठंडा करके ही लें। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, और ये हमने डाल दिया चीनी। अभी हम बिस्किट का पैकेट को फाड़ लेंगे, और इसमें से थोड़ा थोड़ा बिस्किट निकाल के इसको हाथों से थोड़ा दबा के इसको क्रश कर लेंगे, और इसको दूध में डालते जाएंगे। ये देखिए, हमने सारा बिस्कुट को तोड़ लिया है और दो बिस्कुट को बचा के हमने रखा है। अभी हम इसको मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेते हैं, और ये देखिए दोस्तों, हमने अच्छी तरह से इसको पीस लिया है। चलिए मैं आपको चेक करा के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका ऊपर बहुत ही बढ़िया झाग आया है, और ये जो झाग निकला है इसको हम बाद में शेक के ऊपर डालने वाले हैं, इसीलिए हम एक चम्मच के मदद से इसको थोड़ा थोड़ा करके एक कटोरा में निकाल लेंगे। अभी हम लेंगे कांच का ग्लास, और ये हमने लिया कांच का ग्लास। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब। हमारा जो मिल्क था वो तो वैसे ही ठंडा था, अगर आपको ज़्यादा ठंडा पसंद है तो आप क्यूब डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और क्यूब को डालने के बाद अभी हम थोड़ा थोड़ा करके सारा शेक को ग्लास में डालते जाएंगे, और ये देखिए, हमने सारा शेक को डाल दिया। अभी हम इसका ऊपर डालेंगे झाग जो हमने शेक का ऊपर से निकाल के रखा था, और ये देखिए, इसका ऊपर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। आप चाहे तो इसको बिना डाले भी पी सकते हैं, लेकिन इसको डाल के पीने से ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसका ऊपर अभी और एक चीज़ डालेंगे। ये देखिए, ये ओरियो बिस्किट, जो हमने दो बिस्किट बचा के रखा था ये वही है। हमने बिस्कुट को पूरा चूरा कर दिया है। अभी हम झाग के ऊपर थोड़ा थोड़ा इसको डालते जाएंगे, और जब हम शेक को पियेंगे ये हल्का हल्का हमारा मुंह में जाएगा, और ये पीने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए दोस्तों, हमारा ओरियो मिल्क शेक बन के पूरी तरह से रेडी है। आप इसको एक बार घर में बना के ज़रूर ट्राई करें। आप इसको बच्चे बड़े किसी को भी पिलाएं, उनको पीने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों, आज का ये मेरा ओरियो मिल्क शेक का रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।